डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रिड्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ शिफ्ट रजिस्टर्स इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो शिफ्ट रजिस्टर्स का बेसिकली पर्पस क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। मतलब अर्थमेटिक में हमारे पास वैसे तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आते हैं, लेकिन प्लस और माइनस के लिए हमारे पास क्या है? सबट्रैक्टर है, एडर है। और अगर मैं एडर को बार बार यूज करूंगा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, मतलब जैसे मैंने सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे लिखा 2 × 3 करना है, मतलब वैल्यू क्या आएगी 6, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना। लेकिन अगर मैं इस सर्किट को यूज करूंगा ना, मतलब एडिशन को बार बार यूज करूंगा, तो वो मेरा क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही डिवीजन करनी है तो मैं सबट्रैक्टर को अगर बार बार यूज करूंगा तो वो मेरा क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है। तो इसीलिए जब भी हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करते हैं तो बेस्ट क्या है, आप अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करने के लिए आप शिफ्ट रजिस्टर को यूज करो। तो शिफ्ट रजिस्टर में जब भी हम लेफ्ट शिफ्ट की बात करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है? वैल्यू को लेफ्ट में शिफ्ट करना, जैसे 0001। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट किया, फिर मैंने क्या किया? वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट किया, ठीक है। बार बार क्या कर रहे हैं? वैल्यू को एक एक बिट को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है? 1, ये क्या है? 2, ये क्या है? 4, ये क्या है? 8। मतलब एक तरह से क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन बाई 2 हो रहा है, हर वैल्यू को मल्टीप्लीकेशन बाई 2 में कन्वर्ट कर रहा है। और अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट की बजाय राइट शिफ्ट करूं तो राइट शिफ्ट में क्या हो रहा है? राइट शिफ्ट में आपका डिवीजन बाय 2 हो रहा है। क्या हो रहा है? डिवीजन बाय 2 हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए बेस्ट क्या है, आप लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को यूज करो। और बेसिक फ्लिप फ्लॉप जो यूज करते हैं रजिस्टर्स के अंदर वो है डी फ्लिप फ्लॉप। अब जब भी हम रजिस्टर्स की बात करते हैं तो मेनली आपको यहां पे ये टेबल जो है वो याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा आपको कोई मतलब मेन पॉइंट जो है वो थ्योरी के यही है कि आपके पास 4 तरीके से रजिस्टर्स को यूज करते हैं। सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट एंड पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट। तो यहां पे आपसे पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड फॉर लोडिंग ऑफ द वैल्यूज, रीडिंग ऑफ द वैल्यूज, टोटल वैल्यूज। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पे देता हूं। ये देखो, ये मेरा क्या है, एक मैंने यहाँ पे रजिस्टर जो है वो लेके चल रहा हूं। ये देखो, ये रजिस्टर में हमारे पास वैल्यूज क्या है? 4-bit रजिस्टर मैंने यहाँ पे लिया, 4-bit रजिस्टर मैंने यहाँ पे लिया। तो 4-bit रजिस्टर में लेट से ये मेरा क्या है, D3 Q3, D2 Q2, D1 Q1, D0 Q0, ठीक है। अब देखो जी, यहाँ पे ये मैंने सिंक्रोनाइज कर दिया एक क्लॉक से। अब देखो लेट से मेरी स्टार्टिंग में आउटपुट जो थी वो क्या थी? 0000। स्टार्टिंग में मेरी आउटपुट क्या थी? 0000। अब 4-bit रजिस्टर है तो 4-bit को मैं लोड कर सकता हूं। लेट से मेरी वो 4 bits है 1111, ठीक है। अब जैसे मैं क्लॉक 1 दूंगा, जैसे मैं क्लॉक दूंगा, अब ये सीरियल इनपुट है, मतलब इनपुट मेरी यहीं से होगी और आउटपुट मेरी सिर्फ यहीं से ही आएगी। इनपुट यहीं से दे सकते हो वैल्यू को, आउटपुट सिर्फ आप यहीं से ही उठा सकते हो। तो यहाँ पे 1111 मेरे को इनपुट में देना है। तो स्टार्टिंग में जैसे ही आपने पहली क्लॉक लगाई, पहली क्लॉक लगाती क्या होगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आपका यहाँ पे 1 आ गया। Q3 में ये 1 जो था वो यहाँ पे आ गया, बाकियों में कुछ भी नहीं है, बाकियों में आपका 000, ठीक है। जैसे ही क्लॉक 2 लगाई, यहाँ पे जो 1 था वो यहाँ पे आ गया और दूसरा 1 यहाँ पे इधर आ गया, मतलब एक तरह से 1100। जैसे ही क्लॉक 3 लगाई, जो यहाँ पे 1 था वो यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे जो 1 था वो यहाँ पे पहुंच गया, और यहाँ पे जो तीसरा 1 था वो लोड होके यहाँ पे आ गया, मतलब 1110। जैसे ही क्लॉक 4 लगाई, यहां वाला 1 मेरा आउटपुट में आ गया, ये वाला 1 मेरा यहां, ये 1 यहां, और लास्ट वाला 1 मेरा लोड हो गया, ठीक है जी। तो एक तरह से लोड करने में 4 बिट को लोड किया तो कितनी क्लॉक लगी? 4 क्लॉक लगी, ठीक है। अगर n बिट को लोड करना है तो कितनी बिट्स लगेंगी, कितनी क्लॉक्स लगेंगी? n क्लॉक्स लगेंगी। तो बस यही पॉइंट है कि जब मैं सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में लोड करता हूं, n बिट रजिस्टर लिया तो n क्लॉक पल्स लगेंगी लोड करने में। और दूसरी चीज आपसे पूछ सकते हैं, रीड करने में, मतलब आउटपुट को रीड करने में कितनी क्लॉक लगेंगी? तो देखो, लास्ट वाली जो थी यहां पे, जैसी मैंने फोर्थ क्लॉक लगाई थी, क्या हुआ था? फोर्थ क्लॉक लगाते ये वाला 1 यहां पे आ चुका है, मतलब एक आउटपुट तो मेरी ऑलरेडी तैयार है, मतलब वो आउटपुट तो मेरी ऑलरेडी तैयार है, आप उसको रीड कर सकते हो। लेकिन बाकी की 3 को रीड करने के लिए आपको क्लॉक लगानी पड़ेगी, मतलब क्लॉक 5 लगाओगे ये यहां पे आ जाएगा, क्लॉक 6 लगाओगे ये यहां पे आ जाएगा, क्लॉक 7 लगाओगे ये यहां पे आ जाएगा, मतलब आपकी 7 क्लॉक्स लगेंगी वैल्यू को लोड करने में।
और सारों को रीड करने में। तो यानी एक तरह से सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में वैल्यूज को लोड करने में एन और एन माइनस वन लगेंगी रीड करने में। एन माइनस वन क्यों लगी? क्योंकि जब मैंने एन क्लॉक लगाई वैल्यू को लोड करने में तो लास्ट वाले में ऑलरेडी एक आउटपुट मेरी आ चुकी है, उसको रीड करने के लिए कोई क्लॉक लगाने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी तैयार है। बस बाकी एन माइनस वन के लिए आपको एक एक क्लॉक लगानी पड़ेगी ताकि आप उसको रीड कर सको। बस यही कहानी, ये देखो जी यही लिखा हुआ है n, n माइनस वन, तो टोटल क्या होगी 2n माइनस वन। ऐसे ही लेट से आपको दिखाना है सीरियल इनपुट पैरलर आउटपुट। जैसे सीरियल इनपुट किया मैंने और पैरलर आउटपुट, तो सीरियल इनपुट किया लेट से और पैरलर मेरी क्या है आउटपुट है, ठीक है, पैरलर मेरी क्या है आउटपुट है, सीरियल इनपुट और पैरलर आउटपुट। तो देखो सीरियल इनपुट का मतलब क्या है, वन 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 वन, चार बिट मैंने देनी है, तो चार बिट देने के लिए सीरियली तो आपको n बिट ही लगानी पड़ेंगी और n क्लॉक पल्सेस आपकी लगेंगी तभी ये चारों की चारों बिट्स आपकी लोड होंगी। जैसी क्लॉक वन लगाई ये बिट लोड होगी, जैसी क्लॉक लगाई ये वन यहाँ पे और ये वन यहाँ पे, जैसी क्लॉक लगाई ये वन यहाँ पे, मतलब एक तरह से जैसी आप एक एक क्लॉक पल्स लगाते जा रहे हो वैल्यूज आपकी लोड होती जा रही है, ठीक है, लोड होती जा रही है और आपकी आउटपुट जो है वो तो साथ के साथ तैयार है। कैसे? जैसी आपने पहली क्लॉक लगाई ये वन जो है वो एक तरह से यहाँ पे पहुंच गया, जैसी दूसरी क्लॉक लगाई ये वन जो है वो यहाँ पे पहुंच गया, जैसी तीसरी क्लॉक लगाई यहाँ पे पहुंच गया, जैसी चौथी क्लॉक लगाई यहाँ पे पहुंच गया, मतलब आउटपुट में ऑलरेडी चारों पहुंच चुकी हैं। अब आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, बिना किसी क्लॉक के आप चारों को पैरेलली एक्सेस कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जब मैं सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट देता हूं तो एन बिट तो लगेंगी लोड करने में, लेकिन आपको रीड करने में आउटपुट कोई क्लॉक नहीं लगेगी क्योंकि वो ऑलरेडी तैयार है, वो आउटपुट पे ऑलरेडी आ चुकी है, आपको सिंपल उनको उठाना। ऐसी पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट का मतलब क्या है ये देखो, जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपको। पैरलर इनपुट, पैरलर इनपुट का मतलब क्या है, आप इनपुट जो है वो पैरलर दे रहे हो लेकिन आउटपुट मेरी क्या है सीरियल आएगी। तो आप क्या करो, जैसे ही आपने लेट से ये वन 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 आपने लोड करना है तो आप एक क्लॉक लगाओ, एक क्लॉक लगाते ही चारों जो है वो क्या हो जाएंगी लोड हो जाएंगी, चारों जो है वो क्या हो जाएंगी लोड हो जाएंगी, यानी एक क्लॉक पल्स में चारों लोड हो जाएंगी, लेकिन आउटपुट में तो सिर्फ आपको यहीं पे एक ही दिखेगी क्योंकि पैरलर आउटपुट सीरियल आउटपुट है ना, तो आपको सिर्फ एक ही यहाँ पे मिलेगी। जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक लगाओगे ये यहाँ पे आ जाएगी, नेक्स्ट क्लॉक में ये यहाँ पे, नेक्स्ट क्लॉक में यहाँ पे, तो यानी एन माइनस वन एक्स्ट्रा लगेंगी आपको बाकी के बिट्स को रीड करने के लिए। और फाइनल अगर आपको बात करें यहाँ पे पैरलर इनपुट पैर, यहाँ पे लेट से अगर मैं बात करूं यहाँ पे पैरलर इनपुट पैरलर आउटपुट के केस में, तो पैरलर इनपुट पैरलर आउटपुट में क्या होगा कि ये मेरे पास लेट से चार है, पैरलर इनपुट है, पैरलर आउटपुट है, पैरलर इनपुट पैरलर आउटपुट, तो क्या होगा, आपने लेट से लोड करना है वन 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 को, एक क्लॉक लगाओगे, एक क्लॉक लगाती चारों जो है वो क्या होगी लोड होगी, चारों लोड होगी और आउटपुट में मेरे पास ऑलरेडी तैयार है वैल्यूज, तो यानी आउटपुट को रीड करने में कोई क्लॉक नहीं लगेगी लेकिन वैल्यूज को लोड करने में एक क्लॉक लगेगी। तो जो ये है पैरलर इनपुट पैरलर आउटपुट, दिस इज द फास्टेस्ट रजिस्टर और ये वाला जो है वो मेरा क्या है स्लोएस्ट रजिस्टर। तो ये बेसिक सी कहानी है रजिस्टर्स की, बाकी एक दो क्वेश्चंस जो है वो गेट के हम लोग परफॉर्म करेंगे। अभी जो है आपको इतनी थ्योरी जो है वो सफिशिएंट है शिफ्ट रजिस्टर की। थैंक यू।